अब इस चेन में और कितने लोग जुड़े हुए हैं ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी ये प्रेम पत्र भेज रहा है ना वो असली पंगेबाज है, और वो है इन दोनों में से कोई एक। और हो ना हो उसका और सुनीति के घर में जो हार्ड डिस्क है उसका कोई सॉलिड कनेक्शन है। अरे यार कितना काम करवाते हो आप मुझसे, हद है। खैर अब संजय और अतुल में क्या कॉमन है? पहला, दोनों उस पार्टी में मौजूद थे जिसमें पुलिस की रेड पड़ी थी। दूसरा, दोनों को दिवाकर ने 7 साल के लिए जेल भेजा। और तीसरा, दोनों के ही लेटर पढ़ के ऐसा लगता है जैसे दिवाकर जानता था कि उन्हें गलत इल्जाम में फंसाया गया है। उसका मतलब वो बस डिपो पे जो ट्रंक लेकर गया आदमी, या तो वो ये लेटर भेजने वाला है या फिर दिवाकर ने किसी और की भी पुंगी बजाई है। सर, जिस ड्रग केस में संजय और अतुल सजा काट कर आए थे, क्या उसमें कोई तीसरा भी था? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सर ये देखिए, संजय, अतुल और विवेक, इन तीनों को 7 साल की सजा हुई थी। विवेक ने जेल में ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। चार्ली, माइंड ब्लोइंग। कोई और है जिसने इसके साथ सजा काटी? नहीं सर, लेकिन हो सकता है विवेक का कोई रिलेटिव हो। चार्ली, एक तो तू ये साउथ की फिल्में देखना बंद कर दे। मैं तो बस सर तुक्का मार रहा था। तू यहां से तुक्के मारता है, ये यहां से मुझे ताने मारती है। सर, संजय का एक भाई है राजू। सर वो देख नहीं सकता, लेकिन उसने दिवाकर के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सर न्यूज में भी काफी उछली थी ये बात। एक मिनट, तूने क्या कहा? उसे दिखाई नहीं देता? यस सर। राजू अंधा है? यस। ओहो, तो विवेक मर गया और राजू ने दिवाकर को अगवा कर लिया। बहुत सिंपल है, बताएं। सब किसी एक केस में जेल गए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ट्रंक पे जो स्टिकर लगा था हैंडल विथ केयर, वो राजू के लिए था, क्योंकि अंधे लोग हाथ से छू कर पढ़ते हैं। हाँ, राजू ने ये सब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया। लेकिन कोई अंधा ये सब अकेले नहीं कर सकता ना। बस तो फिर ये हार्ड डिस्क का क्या चक्कर है? तुम कभी खुश मत होने देना मुझे। हम पहले राजू को पकड़ते हैं, फिर इस हार्ड डिस्क की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। दिवाकर कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है। मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना मुझे फोन पर कहा गया था। किसका फोन आया था? आवाज से तो कोई आदमी ही लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा गोवा बस डिपो की विंडो नंबर 1 के नीचे एक ट्रंक होगा, उस ट्रंक में पट्टियां बंधी होंगी। वो ट्रंक गोवा से मुंबई नॉनस्टॉप बस में लेकर आना था, पर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ट्रंक मुंबई आया तो सही, लेकिन फिर गया कहाँ? कहाँ छोड़ा तुमने? बोरीवली बस डिपो पहुंचने के बाद मुझे वीना रेस्टोरेंट के सामने खड़ी एक कार में बैठना था। कार की लॉक्स खुली हुई थी, मैं कार में जाके बैठा। करीब 25 मिनट चलने के बाद कार रुकी, दरवाजे खुले, टिक्की खुलने की भी आवाज आई। शायद वो ट्रंक निकाल रहे थे। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कार में अकेला बैठा रहा। फिर क्या हुआ? फिर दरवाजे बंद हुए और कार चलनी शुरू की। वो कार मुझे बोरीवली पहुंचाकर चली गई। बस क्या लगता है विके? तुम बताओ, मेरा तो लग बहुत खराब चल रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। पर मुझे लगता है सच बोल रहा है। इतनी उम्मीद से इसका पीछा किया था, सोचा था केस सॉल्व हो जाएगा, फिर से दिमाग लड़ाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ दिमाग, भगवान ने दिया है ना तुम्हें। अरे सर, दिमाग तो लड़ा रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। विके, काम की बात करें। हाँ देखो, राजू हमारे केस की आखिरी कड़ी थी जो अब नहीं है, तो इसका मतलब कोई और है, कोई मिस्ट्री मैन जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिसने दिवाकर को कैद करके रखा है, जिसने राजू को बड़ी स्मार्टली इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि राजू अब जाकर भी कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता कि उसने दिवाकर को कहाँ छोड़ा। अब बस उस हार्ड डिस्क से ही कोई लीड मिल जाए तो कुछ पता चल सकता है। एक मिनट,
बोरीवली बस डिपो के 20-25 मिनट की दूरी पर कई सारी जगह है ना। राजू राजू अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। मैं जानता हूँ तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हो। बता सकते हो गाड़ी दाएं गई थी या बाएं? मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो लोग मुझे कहाँ लेकर गए थे। ये आपने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवा दी? उन्होंने गाड़ी यहीं रोकी थी सर, ठीक 25 मिनट बाद। लेकिन आपको पक्का यकीन है कि वो कोई आदमी यहीं पे आया था? जी सर, बोरीवली से निकलकर 7 मिनट के बाद दहीसर चेक नाका आता है, वहां से उन्होंने गाड़ी एक फ्लाईओवर पर ली थी। फ्लाईओवर से उतरकर 5 मिनट चलने के बाद एक सिग्नल आया था सर, वहां से उन्होंने गाड़ी राइट टर्न ली। वो सिग्नल था घोड़बंदर सिग्नल, वहां से उन्होंने गाड़ी राइट टर्न। थोड़े समय चलने के बाद एक चेक नाका आया, चेक नाका से आगे सीमेंट फैक्ट्री से राइट टर्न ली फिर से, और 5 मिनट चलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक दी थी सर। यही वो जगह थी। कमाल है सर, इतना तो मैं आंखें रहते नहीं बता सकता। कुछ बताने के लिए जरूरी नहीं कि आंखों की ही जरूरत हो। यहां आकर वो 5-7 मिनट के लिए कहीं गए थे सर। चाली पता करते हैं जा कहां सकता है, और तुम एक काम करना, तुम्हें कोई भी देखे मुझे कॉल करना फटाफट से। और राजू जी आप यहीं कार में रहना। जी सर। अली क्या हुआ? सर ये देखिए। वेरी गुड चार्ली, चार्ली मुझे पूरा यकीन है कि यहां में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ सर, या तो भूत या फिर आत्मा, मुझे ना ये जगह हॉन्टेड लग रही है। चार्ली एक बात बताऊं, ऐसी हॉन्टेड जगह पे ना क्राइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि दिवाकर सर हमें यहीं मिलेंगे। सर आप श्योर है ना? मुझे भूत भगाने का मंत्र नहीं आता। हमें काम करते हैं, अगर भूत मिलेगा ना तो हम मंत्र उसी से पूछेंगे। चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भूत छुप छुप के हमें देख रहा है, एकदम वैसे ही जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। चार्ली। यस सर। सर वो जो कोई भी था भाग गया। अगर हम थोड़ा पहले दिवाकर तक पहुंच जाते तो उसे बचा सकते थे। लेकिन ये दिवाकर को मारने वाला है कौन? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, यही कह रही है मामा। अरे सुनिधि जी आई। ये हार्ड डिस्क घर की सफाई करते हुए मिली। आइए ना बैठिए ना।
ऋषभ देखो इसमें क्या है। यस सर। सर इसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हर्षवर्धन और अखिल बुखारी की डिटेल्स हैं। ये अखिल बुखारी तो गैंगस्टर है ना? क्या? That's right. हाँ सर, और इनफैक्ट अखिल बुखारी और हर्षवर्धन बिजनेस पार्टनर भी हैं। और इस फाइल में अखिल बुखारी ने हर्षवर्धन के सारे ब्लैक मनी की डिटेल्स लिखी हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक ने वो चोर भेजा था घर में हार्ड डिस्क के लिए। तो मतलब दिवाकर के मर्डर के पीछे भी इन दोनों में से किसी एक का ही हाथ है, लेकिन कौन? ठीक है, ये मुझे उस घर में से मिला जहां पर मिस्टर दिवाकर पिछले एक महीने से बंद थे। ये है खूनी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आपने घुन का नाम सुना है? घुन? हाँ, घुन, गेहूं के साथ जो घुन पिसता है ना। विनोद की हालत बिल्कुल उस गेहूं के साथ पिसने वाले घुन की तरह हो गई। वीके, कैन वी कम टू द पॉइंट प्लीज? यस, पॉइंट पे आ रहा हूं। सर पॉइंट ये है कि दिवाकर को उस होटल रूम से अगवा कर लिया गया था। विनोद दिवाकर को कैसे मार सकता है सर? इतने दिन तक दिवाकर कैद में था और अभी पिछले हफ्ते दिवाकर का खून हुआ है और इस पूरे अरसे में विनोद जेल में था। योर ऑनर, यह है दिवाकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये वो लेटर है जो दिवाकर ने अपनी कैद से लिखा था। शुरू से मैं पूरी कहानी बताता हूं। दिवाकर होटल में अपने रूम से गायब हो गया और सबको ऐसा लगा कि विनोद ने उसका मर्डर किया, जबकि दिवाकर को उसके रूम से अगवा किया गया था। और अपना यही पॉइंट साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह संजय को विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहूंगा। इजाजत। योर ऑनर, वो कहावत है ना, आदमी जो बोता है वही काटता है। दिवाकर ने संजय को झूठे इल्जाम में 7 साल की सजा करवाई थी। संजय दिवाकर से बदला लेना चाहता था और अब आगे की कहानी संजय खुद सुनाएंगे। योनर, बहुत भाईचारा है इन तीनों में। ये तीनों एक ही केस में फंसे थे और इन तीनों को दिवाकर ने एक ही जगह से एक ही पार्टी से अरेस्ट किया था। तीसरा शख्स राजू तीसरे विक्टिम विवेक का भाई था जिसने जेल में आत्महत्या की थी। मतलब कोई ये जानता था कि ये तीनों लोग बेगुनाह हैं और दिवाकर का शिकार है। योनर, दिवाकर के 3 और दुश्मन भी थे इन तीनों के अलावा। पहला दुश्मन श्याम घाटो, जिसको अखिल बुखारी गैंग से पैसे लेकर दिवाकर ने 7 साल की सजा करवाई थी। दूसरा दुश्मन खुद अखिल बुखारी, जिसे लगा था कि वो दिवाकर को पैसे खिलाकर अपने पांव जमा लेगा, लेकिन उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दिवाकर ने उसके काले कारनामों को रिकॉर्ड करके अखिल बुखारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। योनर, ये वो हार्ड डिस्क है जिसमें अखिल बुखारी के सारे काले कारनामे रिकॉर्डेड हैं। दिवाकर का तीसरा दुश्मन है इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन, जिसके काले कारनामे भी इस हार्ड डिस्क में रिकॉर्डेड हैं। और मुझे डर है कि आज इसके चलने के बाद उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सर, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को दिवाकर को मरवाना होता तो वो किसी गुंडे को भेज के दिवाकर को मरवा देता। वो उसे किडनैप करा के किसी पुराने बंगले में कैद करके नहीं रखता। योनर, मैंने पुलिस की मदद से दिवाकर को ढूंढ निकाला, लेकिन
हमारे वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने दिवाकर को गोली मार दी थी। गोली उसी शख्स ने मारी है जिसने इतने वक्त तक उसे कैद करके रखा था। योनर कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जाते जाते अपने को निशान जरूर छोड़ जाता है। योनर, इस केस की अगली कड़ी तक पहुंचने के लिए मैं दिवाकर की धर्मपत्नी सुनिधि को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। योनर वो शख्स जिसने वो सारे लेटर्स लिखे थे, दिवाकर जी को किडनैप किया, उन्हें गोली मारी, वो कोई और नहीं दिवाकर की धर्मपत्नी सुनिधि है। Silence in the court, please. Objection, Your Honor. Vicky साहब, आप कैसे इन पर डायरेक्ट उंगली उठा सकते हो? क्या सबूत है आपके पास? एक सबूत है, आप इतने उतावले मत होइए, दिखा रहा हूं। सुनिधि जी, आपके पांव में बहुत सारे राज दफन हैं। इन्हें छुपाइए मत, अपने पांव दिखाइए। योर ऑनर, मैडम ने बहुत ही धासु प्लान बनाया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इन्हें तो शायद एहसास भी नहीं हुआ होगा कि इनकी एक टो रिंग मिसिंग है। लेकिन जब ये मेरे घर आई थी ये हार्ड डिस्क देने, तब मैंने इनका पांव नोटिस किया और उसमें एक टो रिंग मिसिंग। अरे सुनिधि जी, आइए ना, बैठिए ना। फिर इंस्पेक्टर घटोत्कच ने मुझे ये टो रिंग ढूंढ कर लाकर दी। ठीक है, ये मुझे उस घर में से मिला जहां पर मिस्टर दिवाकर पिछले एक महीने से बंद थे। यस, यू राइट, मैंने ही मारा है उसे। उसके जैसे घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं। शादी से पहले मैं विवेक से प्यार करती थी। अचानक एक दिन खबर आई कि विवेक ड्रग केस में जेल गया। मेरी जिंदगी जैसे उजड़ गई। उसे सात साल की जेल हो गई। दिवाकर हमारा फैमिली फ्रेंड था। जब उसने मेरे पेरेंट्स के सामने मेरे साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो विवेक ने जेल में आत्महत्या कर ली। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया, पर एक दिन मैंने दिवाकर को किसी से बात करते हुए सुना कि कैसे उसने विवेक को जेल भेजकर उससे शादी कर ली। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, पर मुझे उससे बदला लेना था। पर उसे मारकर नहीं, उसे तड़पाकर मैंने उसे किडनैप करवाया, उसे कोठी में बंद किया, उसे भूखा रखा। खुद तड़पता था, कराता था, चिल्लाता था। वो सब सुनकर मुझे सुकून मिलता था। मैं बाहर ही बैठकर उसकी वो तड़प सुनती थी। बहुत सुकून मिलता था मुझे। अगर उस दिन तुम उसे ढूंढने नहीं निकलते ना, तो उसे जिंदगी भर इसी तरह तड़पाती। मुझे मार डालना पड़ा उसे, मार डाला मैंने उसे। इस केस में अचानक आए बदलाव के चलते यह अदालत विनोद को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है और सुनिधि पर किडनैपिंग और मर्डर का नया मुकदमा नए सिरे से चलाने का आदेश देती है और साथ ही पुलिस को आदेश देती है कि अखिल बुखारी को गिरफ्तार करके
नए सबूतों के आधार पर उस पर मुकदमा चलाया जाए। दिस केस इज क्लोज। थैंक्स विके, तुमने जिंदगी बचा ली यार मेरी। मेरे दोस्त, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब जोकर्स। हेलो सर। हेलो भैया, आप तो आजाद हो, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? चिल करो यार, घर जाओ, होता है।